इबादत की होंगी ना, बंदगी की होंगी है ना, बंदगी करके ही वो इस दुनिया से आते हैं। बंदगी वाले माँ के जिखमो जमदे बंदगी करके, बंदगी वाले माँ के जिखमो जमदे बंदगी करके, उस बंदगी दोई जहानी दबन मट्टियाँ भर के, जे भला मर भी जावन फिर भी जिंदा ने मर के, भगत राम या फिर समान जो कुछ जाने तरह वो लोग जड़े ने उन्हों की आवाज़ याददाश्त जिस वे गल शुरू होगी उस वे जिंदा। आशक लोग मरते नहीं होंगे, आशक मरते नहीं, दफनाए जाते हैं, कब्र खोद कर देख लो फिर भी जिंदा पाए जाते हैं। वो सारी उम्र तक जिंदा ने, वो नहीं मरते। ये फानी मौत तो सारे ते आती है, ये जड़ी है, ये जड़ी इनू कहते दस्ते बैत परमात्मा मिलना भगवान संगीत में रब न खुश किया करके फिर आ इस दुनिया से आते, वो सारी उम्र नहीं भुल सकते। तो फिर इस करके फिर उन्होंने गलबात जो सी सा बड़ा प्यार से बची का, तो योजा घाटा पूरा नहीं हो सकता। हूँ तू नहीं तो तेरिया यादा सही यादा के सहारे जी ला किमें गलत संगीत को लेकर बहुत ही होगी कोई कोई हो तो दसा कोई दो चार दसो जरूर शेयर करो नहीं होनी है नहीं होंगे। मेरे नाल ते बड़ा मामा वर्गा रिश्ता सीगा, जो मैं चेयरपर्सन सी तीया जो मैं कीतियां ने, तो मैं याद है भी मैंने कहते भी तू मैनू ना दोबारा जवान करता है मेलिया च दोबारा बुला के। सो कल जो ग्लोरी का फोन आया मैनू, पहला लाची के टाइम पर भी खैर मैं नाल ही सी, पर मेरे को बर्दाश्त नहीं होया क्योंकि बहुत इन्नी जल्दी लाची तो बाद परिवार इन्ना दुख नहीं सी सहार सकता, पर पूरे मतलब पूरे मैं लगता कि पूरे वर्ल्ड के पंजाबियों कोई यहोजा होए भावें अज की जनरेशन हो जी उन्होंने नहीं जानती हो, बड़ा वड्डा घाटा है परमात्मा परिवार को, क्योंकि ग्लोरी बिल्कुल ही कभी भी वो जिम्मेवार नहीं सी, लाची ने इन्नी जिम्मेवारी सांभी हुई सी, तो उन सारे परिवार की जिम्मेवारी उन्होंने पै गई। बाबा जी घर के मोढ़ी रहे ने शुरू तो, पर उन्हों की सेहत जी है, सो मैं तो यही कह सकती कि मालक बड़ा हौसला दे। बड़ा दुखदायक लफज है सदीप विछोड़ा, वो एक उच्ची गायिका तो सी पर मेरी वो भैन सी, सकी भैन तो नहीं सी, पर मैं लगता अज जो जो मैं दुख हो रहा लगता कि मेरी सकिया भैनों तो भी उपर सी, साढ़े बड़े दुख सुख सांझे सीगे, असी बहुत सारिया स्टेजा कट्टियां कीतियां। अज गुरमीत बाबा का एंड नहीं होया, अज गायकी का एंड हो गया, वो गायकी सिखरां दी गायकी सी, पता नहीं कितों हेक कटदी सी कितों आवाज़ कटदी सी, उदी आवाज़ की मिठास ये युगों युगों तक रहेगी, लोग सुनेंगे। अज जिमें सुरिंदर कौर प्रकाश कौर के असी गाने अज तक भी सुनने हैं, इस तरह ये गाने भी इंज ही सुने जाएंगे और इन याद किया जाएगा, दिलों याद किया जाएगा। कोई वल छल नहीं सी इस लेडी दे अंदर, किसी नूं बुरा भला नहीं सी कहिंदी, सब नूं प्यार दे नाल, पर जो परमात्मा ने उन्हें गायकी दी सी उहदा ते कोई जवाब ही नहीं सी, उहदा ते कोई सानी नहीं सी। अज उस युग का अंत हो गया है जिन्हों कहें इतों इतों तकलीफ हो रही है बहुत ज़्यादा कि क्यों चली गई है जी। सुहाग जिन्होंने इन्ना व्डा और वही हेक जिन्हें 45 सेकंड का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बहुत दुख की बहुत घाटा पे आया सानू इस वे इस इन्हों जाना गुरमीत बाबा जी की समझ कि इन्हों का जिस तरह सन्मान के संस्कार होना चाहिए उदा नहीं किया, सन्मान ना ही संस्कार संस्कार होंगे बाकी मैनू तो मैं तो पता लगा हूँ चलिया आ रहा सीधा ही पहुँच रहा मैं और बड़े दुख की गल है बहुत वड्डी घाट वजी है पंजाब नूं पंजाबीयत नूं जिहड़ी खास कर जिहड़ी पंजाबी नूं प्यार करन वाले लोगों नूं सभ्याचार नूं बहुत नुकसान होया। सर जिस तरीके नाल उहदे गायकी सी कि गायकी खत्म होई गई, गायकी तो चलो खत्म नहीं होती पर जो मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया उस मुकाम का गायक मिलना औखा हो जाता। 45 सेकंड की जी हेक उन्हों की जी रिकॉर्ड है अजे तक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही कह सकते जी, और उन्होंने गाए टप्पे सुहाग घोड़ियाँ जोड़े मतलब चंगे से सभ्याचार को बड़ा बुक्ल चलको के रखे से उन्होंने, एक निग से उन्होंने सुन के आता बंद माण महसूस हों अपने आप से। ओजला साहब की उन्होंने नाम से कोई यादगार या कोई योजे अवार्ड शुरू होते एज ए एम पी तुम चन्नी सरकार को कहोगे? देखो मैं जरूर कहूँगा सरकार को लिखूंगा जो बेस्ट हो सकता क्योंकि यह जी चीज़ा तो साढ़िया आने वाले फ्यूचर साढ़े बच्चों भी पता लगना चाहिए कि ये लोग सन और जिन्ह ने इन्ना लंबा समा जिहड़ा आ गायकी
और पाक साफ गायकी साफ के रखिया जी साढ़े रूहों के नाल जुड़ती है पंजाब।